इन चीजों के साइड इफेक्ट आप नहीं जानते थे। अगर आप रोज कहीं चलते समय फास्ट चलते हैं तो आपको ये कैसी चीजें जो आपने कभी सोचे भी नहीं होगी और डेली यूज की चीजें कैसे बनती है ये देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 3, अगर आप किसी को तेज चलते हुए देखो तो इसके काफी चांसेस है कि वो अंदर से उदास है। जो लोग सैड होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। अगर आप किसी को रस्ते पर बहुत ज्यादा फास्ट चलते हुए देखो तो उसका मतलब यही है कि वो काफी अनहैप्पी है। ये हर बार तो कंपलसरी नहीं होता लेकिन मोस्टली देखा गया है कि सैड लोग फास्ट ही चलते हैं। नंबर 2, कुछ ऐसी डेली की चीजें जिन्हें आप आज तक बनते हुए नहीं देखा होगा। जैसे पहले है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने का शौक तो सबको है लेकिन जितना इसे खाने में मजा आता है उतना ही इसे बनते हुए देखने में भी मजा आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कैसे पूरी आइसक्रीम एक मोल्ड से बाहर निकल रही है स्टिक के साथ। उसके बाद इन सारी आइसक्रीम की लिक्विड को चॉकलेट में डुबकी लगवाई जाती है। फिर इनके ऊपर क्रंची चॉकलेट के पीसेस को स्प्रिंकल किया जाता है जिसके बाद इन्हें पैकेजिंग करके आपके लिए भेज दी जाती है। मार्बल्स, जिन्हें बहुत सारे लेजेंड्स कंचों के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने बचपन में बहुत खेला है। इसे बनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कंचों के रॉ मटेरियल्स को भट्टी में डाला जाता है जिसके बाद उसकी राउंड शेप में कटिंग होकर उसे और ज्यादा गोल करने वाली मशीनों से निकाला जाता है और इन मशीनों में घूमते घूमते ये मार्बल परफेक्ट शेप में आ जाते हैं। इसके बाद ये बच्चों के हाथ में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। वैसे क्या आपने भी बचपन में कंचे खेले हैं तो कमेंट में जरूर बताना। ओरियो, क्या आपको पता है आपके ओरियो बनाने के लिए कितने सारी बेकरीज को एक होना पड़ता है। 1898 में बहुत सारी बेकरी मिलाकर एक नेशनल बेकरी बनाई गई थी जिसे नबिस्को भी कहते हैं, जो आपके ओरियो बनाने के लिए जिम्मेदार है। एनीवेज, ओरियो बनाने के लिए सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर तैयार करते हैं जिसके बाद ये कुछ चॉकलेट की तरह दिखने लगता है। फिर इस बैटर को मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसकी प्रिंटिंग करके ओरियो की शेप दे दी जाती है जिसके बाद कुकीज को 85 मीटर के हॉट ओवन से गुजारा जाता है। इसके बाद वेनिला फिलिंग को रेडी करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और बेक कुकीज को दो तरह के कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं। इससे कुकीज की एक साइड उल्टी रहती है और एक सीधी, जिसके बाद इनके बीच में वेनिला फिलिंग भर के पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर सीधा आपके पेट में। नंबर 1, आप रोज कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो जिनके काफी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जहां लोग सिर्फ ब्रांड को छोड़कर फ्लेवर के पैसे देते हैं, वहीं पल्स ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है, जिसने इसे 2 साल में 1 रुपए की टॉफी से 300 करोड़ की सेल की थी। लेकिन क्या आपको पता है पल्स कैंडी को किन चीजों से बनाया जाता है और आपके लिए ये ज्यादा खाना सेफ भी है या नहीं, ये हम जानते हैं। पल्स कैंडी में शुगर, सोल्ट और एसिड की मात्रा बाकी कैंडी के मुकाबले ज्यादा रहती है। इसकी वजह से उसके अंदर वो सॉल्ट टेस्ट आता है जो छोटे बच्चों को खानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है और भी हेल्थ प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, स्पेशली बच्चों में। कुरकुरे बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्नैक्स है जिसे बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हेल्दी है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जिनमें से विटामिंस मिनरल खत्म हो जाते और उसमें सिर्फ फैट बचता है, और कुरकुरे के 100 ग्राम में 35 ग्राम तो सिर्फ फैट ही होता है। तो अगर आपको वेट लूज करना है और आप कुरकुरे खा रहे हो तो ये भूल जाओ। और इसमें हाई सोडियम की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो आपको कुरकुरे नहीं खाना चाहिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।